सिर्फ एक ही शब्द है, वो शब्द कौन सा है? तथास्तु, सो बी इट, आमीन, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, है ना। भगवान हमेशा तथास्तु कहते रहते हैं। अब ये तथास्तु आपको बोल के करेंगे क्या? बेटा तू पॉजिटिव थिंकिंग कर, अभी मैं तथास्तु कर रहा हूं, ऐसा होगा क्या? नहीं, वो हर क्षण पर क्या कर रहे हैं? तथास्तु कर रहे हैं। अब हम गलत जगह पर तथास्तु लेंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। सही जगह पर तथास्तु लेंगे तो सही हो जाएगा, राइट। जैसे कि ये भाई साहब सोच रहे कि मेरा भविष्य उज्जवल है, भगवान क्या कहेंगे? तथास्तु, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, इसका भविष्य कैसा होगा? उज्जवल होगा। अब ये भाई साहब सोच रहे कि मेरा भविष्य अंधकार में है, प्रॉब्लम में, भगवान कहेंगे तथास्तु, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, इनका भविष्य कैसा होगा? अंधकार में होगा। ये बहन सोच रही कि मेरा जीवन सुंदर है, भगवान कहेंगे तथास्तु, इनका जीवन कैसा होगा? सुंदर होगा। ये बहन सोच रही कि मेरे जीवन में समस्या ही समस्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है, भगवान कहेंगे तथास्तु। और 10 पड़ोसी के प्रॉब्लम लाके देंगे लिए सवाल, ये सुनो, मतलब कि भगवान हर क्षण पर क्या कर रहे हैं? तथास्तु बोल रहे हैं। अगर हम गलत जगह पर तथास्तु लेंगे तो हमारी लाइफ में गलत होगा, और हम बाद में भगवान को कंप्लेन करते हैं कि यार भगवान मेरी लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स क्यों देता है। अगर भगवान को प्रॉब्लम देते ही नहीं, भगवान जो भी करता है वो क्या करता है? तथास्तु करता है। ये सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद, आज के बाद आप कभी भी नेगेटिव थिंकिंग करोगे? नेगेटिव किसी को बोलोगे? कंफर्म? यस। लॉक किया जाए? यस। आधे लोग सो रहे पक्का? नो। ऐसे बोलने का राइट। सो फिर से पूछ रहा हूं, आज के बाद कभी नेगेटिव सोचेंगे? नो। नेगेटिव किसी को बोलेंगे? नो। कंफर्म? यस। तथास्तु, ऐसे कहने का, तथास्तु, ठीक है। बिकॉज गौतम बुद्ध जी भी कहते हैं कि आज जो आप जिंदगी जी रहे हैं, इसके पहले आपने पास्ट में इसी जिंदगी के बारे में सोचा था, इसी के लिए आपको ये जिंदगी मिली हुई है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अभी जो आप प्रेजेंट में सोच रहे वही आपके भविष्य में होने वाला है। तो अगर प्रेजेंट में बैठे बैठे दुखी फील कर रहे तो भविष्य कैसा क्रिएट कर रहे? दुखी वाला क्रिएट कर रहे। और यहाँ पर बैठे बैठे खुशी फील कर रहे तो भविष्य कैसा क्रिएट करें? आनंद, खुशी वाला क्रिएट करें। तो भविष्य अच्छा क्रिएट करना या बुरा क्रिएट करना, ये किसके हाथ में? भगवान के हाथ में, आपके हाथ में? ये तो हमारे हाथ में। और इसीलिए तो हर धर्म ये कहा ना, या कृष्ण भी ये कहते ना, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर ऑफ माय लाइफ, मैं ही मेरी जिंदगी को बनाता हूँ, अपने विचारों के द्वारा, अपने थॉट्स के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा। जैसे ब्रह्मा ने संकल्प किया और ब्रह्मांड बना, वैसे इंसान ने संकल्प किया, ये सब बना, है ना। तो संकल्प के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है, पावर है। अब वो संकल्प को कैसे डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में हम यूज करें, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के बाद वो तथास्तु याद रखने का, ऊपर से क्या हो रहा है? तथास्तु, है ना।